हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देख पुलिस उपाधीक्षक जाखड़ पहुंचे बाजार में, लोगों को समझाइश कर मास्क के लिए किया जागरूक, चालान भी काटे। बदलते मौसम के बाद वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन एक बार फिर सक्रिय हुआ तथा शुक्रवार दोपहर अचानक पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत जाखड़, कार्यवाहक थाना प्रभारी मोहन सिंह भाटी शहर के मुख्य बाजार में पहुंचे और लोगों से समझाइश कर लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर ऊपर हमेशा मास्क लगाने के साथ 2 गज की दूरी की पालन करने की बात कही। इस दौरान डीएसपी जाखड़ ने स्वयं अपने हाथों से बिना मास्क के घूम रहे लोगों को अपनी तरफ से मास्क देकर उनके मुंह पर मास्क लगाया, साथ ही लापरवाही बरत रहे लोगों के चालान भी काटे। डॉक्टर जाखड़ ने बताया कि बदलाव की वजह से कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं, लेकिन लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। आदमी का जीवन सबसे अमूल्य है, ऐसे में राज्य सरकार की इच्छा के अनुरूप पुलिस प्रशासन कोरोना महामारी की गाइडलाइन के अनुसार काम करेगा। मास्क के लिए कानून बन चुका है, सार्वजनिक स्थान पर आते जाते समय मुंह पर मास्क होना जरूरी है। उन्होंने दुकानदारों को समझाया कि वे अपनी दुकान पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने दें तथा ग्राहकों के बीच दूरी रखें तथा स्वयं हमेशा मास्क लगाकर रखें। दिन में 4-5 बार हाथों को सैनिटाइज करें। कोई भी ग्राहक अगर बिना मास्क के आए तो उसे वस्तु ना दे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को अपनी तरफ से मास्क देकर उन्हें हमेशा मास्क पहनने की हिदायत दी। कार्यवाहक थाना प्रभारी मोहन सिंह भाटी ने बताया कि अब कोरोना महामारी को लेकर बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस बहुत समझाइश कर चुकी है, अब इस बारे में थोड़ी कठोरता अपनानी होगी। अब ढिलाई जानलेवा हो सकती है, इसलिए कोई भी नागरिक बिना मास्क के नहीं घूमे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा ना हो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही हो। पुलिस शहर की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है। इस दौरान अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार दोषी व्यक्ति पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटीजन अथाराम बोराना की रिपोर्ट।